गुड मॉर्निंग, मैं मुकेश। तो आज का जी मेरे बिल्कुल पे जी। सिस्टम में मंगल फंड कीबोर्ड सेटअप कैसे कहते हैं। तो आइए हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, पहले हमें ये देखना है कि यहाँ कंप्यूटर सिस्टम में मंगल फंड इंस्टॉल है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता जब चलेगा। आपको यहाँ पर ENG लिखा रहता है, इंग्लिश लिखा रहता है, उस पर हम सेटअप करते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मंगल फंड इंस्टॉल है या सेटअप है। नहीं दिखेगा तो आपको नहीं है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, ध्यान मंगल दीजिए। फंड क्या है, मंगल फंड और कृति द्वीप में क्या अंतर है, मंगल फंड किस परीक्षा में एग्जाम ली जाती है, ये सारा वीडियो हम बना चुके हैं, आप पिछले क्लास में जाकर भी देख सकते हैं। मंगल फंड में कैसे टाइपिंग करेंगे, मंगल फंड में कैसे क ख ग लिखेंगे, क ख र कैसे लिखेंगे, ये सारी आपको वीडियो एक एक करके हम आप सबको बताएंगे। आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए ये कंप्यूटर तो स्क्रीन, सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा बिट है, ये जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में माई कंप्यूटर लिखा हुआ, माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपको प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना होगा। यानी कंप्यूटर सिस्टम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है, प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल आर का प्रोसेसर है। अब देखिए यहाँ पर ये भी देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में रैम कितना है, तो 2 GB रैम है। सिस्टम टाइप कितना बिट का है, तो 32 बिट समझ का। गए। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर का फ्यूचर देख लेते हैं। चलिए यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब हमें कंप्यूटर में मंगल फंड, देवनागरिक, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड कैसे सेटअप करना है, ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलता है। देखिए यहाँ पर स्मॉल आइकन लिखा हुआ है, यहाँ से हम लार्ज भी आइकन कर सकते हैं या कैटेगरी कर सकते हैं। तो देखिए कैटेगरी ऐसे कर दिया गया, तो हम यहाँ से देख लीजिएगा कैटेगरी छोट आइकन को छोटा कर लीजिए, स्मॉल आइकन कर लीजिए। देखिए स्मॉल आइकन हो गया। अब देखिए यहाँ इसमें क्या देखना था हमें, रीजन एंड लैंग्वेज यहाँ मिल गया, इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलता है, जिस बॉक्स में हमें देखना होगा कि कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेज कहाँ लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद हमें कहाँ क्लिक करना होगा, चेंज कीबोर्ड्स पर क्लिक करना होगा, तो एक बॉक्स खुलता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा फंड लोड है या देवनागरिक फंड कैसे लोड है, ये समझ लेना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, पहले हमें कंप्यूटर में नोटपैड खोल के देख लेते हैं। नोटपैड खोलते हैं, चलिए ये खुल गया। अब इसमें हम टाइपिंग करते हैं, तो देखिए क्या टाइपिंग हो रहा है, बस समझ में आ रहा है, ये हमारा अभी इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है, बस समझ गए। तो ऐसे अभी हमारा कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है, बट हमें मंगल फंड का सॉफ्टवेयर जो है सेटअप करना है और हिंदी में मंगल फंड टाइपिंग सेटअप करना है। अभी हम कहाँ थे, यहाँ पर समझ में आ गया था ना कि ऐड नहीं समझ में आता, काट देते हैं। देखिए कीबोर्ड एंड लैंग्वेज पर क्लिक करते हैं, चेंज कीबोर्ड्स पर जाएंगे, देखिए एक टॉपअप बॉक्स खुल गया ना। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ऐड पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर ऐड इनपुट लैंग्वेज का एक बॉक्स खुलता है, इसमें हमें हिंदी सेलेक्ट करना होगा। तो कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए और कीबोर्ड में एच दबाइए, जैसे आपको एच दबाइएगा तो जो पहला अक्षर हिंदी मिलता है वो आपको सेलेक्ट करिए, आपको हिंदी आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। इस पर माउस का डबल क्लिक करना होगा, फिर आपको कीबोर्ड पर डबल क्लिक करना होगा। देखिए ऐसा टॉपअप बॉक्स खुलता है, तो यहाँ पर क्या करना होगा कि देवनागरिक पर क्लिक करना होगा, इसके बाद हिंदी ट्रेडिशनल पर क्लिक करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा, ओके यहाँ से अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, फिर यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए हमारा नोट पैड आ गया, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये आ गया ना इंग्लिश अनटाइटेड स्टेटस। आपको यहाँ भी अभी भी टाइपिंग करते हैं तो देखिए क्या टाइपिंग हो रहा है, इंग्लिश टाइपिंग हो रहा है। हमें आप इसको क्या करना होगा, यहाँ से चेंज करना होगा, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हिंदी पर जाएंगे तो इतना खुल गया। आप यहाँ देवनागरी इनस्क्रिप्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके हमें हिंदी ट्रांजिशनल पर क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, आप टाइपिंग करते हैं, देखिए बात समझ में आ रहा है। अब कैसे टाइपिंग करेंगे, यहाँ पर देखिए एच दबाएंगे तो इकली आएगा, डी दबाएंगे तो ये आधार वाला आता है ना कवला, एफ दबाएंगे तो हसीकार वाला ये आता है, फिर जी दबाएंगे, ऐसे करके हम एक एक दबाएंगे, इधर से क्लियर काम करेंगे, फिर ना QWERT दबाएंगे तो ये सारा आता है। जिसको हिंदी मंगल फंड टाइपिंग नहीं करने आता वो अगली मेरा वीडियो देखेगा ताकि सारा समझ में आ जाएगा कि हमें
मंगल फंड पर टाइपिंग कैसे करते हैं, मंगल फंड में कख कैसे लिखते हैं, ये सारे हम आपको एक एक वीडियो करके बताएंगे। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।